गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज एक भाई बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ आई है, जो लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। मैं भाई फ़िलीपींस में हूँ, आजकल थाईलैंड में नहीं हूँ। तो अगर आपको फ़िलीपींस वीडियो भी देखनी है तो सब्सक्राइब करिए भाई मेरे चैनल को। अभी मैं बहुत फ़िलीपींस में हूँ, अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी। थोड़ा ट्रैफिक हो सकता है, ट्रैफिक की आवाज़ आ सकती है। तो भाई पहली जो सबसे ज़बरदस्त चीज़, जो सबसे अच्छी न्यूज़ आई है कि थाईलैंड ने इंडिया को इंक्लूड कर दिया है वीज़ा एग्जेम्पशन में। तो वीज़ा एग्जेम्पशन जो होता है ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप थाईलैंड जाते हो तो अभी आपको 30 दिन का वीज़ा फ्री मिल रहा है, मतलब जब आप इमिग्रेशन पे जाओगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब उन्होंने क्या करा है, अब आई थिंक ये नवंबर तक वैलिड था, अब उन्होंने क्या करा है, आई थिंक अब उन्होंने 60 दिन का वीज़ा अब उन्होंने इंडिया को जो पहले जो पासपोर्ट से, जैसे वेस्टर्न पासपोर्ट्स में आप हमेशा जाओगे थाईलैंड तो आपको 30 दिन की एंट्री फ्री मिल जाती थी, कोई वीज़ा अप्लाई नहीं करना, कोई पेपर वर्क नहीं करना, वही सेम इंडिया के लिए चल रहा है नवंबर तक। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि यही उन्होंने, अब उन्होंने जो लिस्ट 57 कंट्रीज़ की थी, यहाँ पर आ जाएगा आपको साइड में आप देख लेना, अब 93 कंट्रीज़ में ऐड हो गया है उसमें, तो ये परमानेंट रहेगा, इंडिया इसमें इंक्लूड हो गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है जो लोग थाईलैंड जाना चाहते हैं, जो हमेशा लोग हर साल जाते हैं, कि अब उनका हमेशा उनको एंट्री वीज़ा की फ्री मिलेगी। अब है इसमें कितने दिन हैं, पहले क्या था कि इसमें हमेशा 30 दिन की एंट्री थी, पर अभी आप देख सकते हो कि 1 जून से अब इन्होंने 60 दिन की एंट्री कर दिया है। तो अगर आप इंडिया से हो और आप थाईलैंड जा रहे हो तो आपको 60 दिन का ऑन अराइवल वीज़ा मिलेगा, कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए, कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई फ़ोटो नहीं चाहिए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। अब लोग इसमें कह रहे हैं कि ये नवंबर तक रहेगा या परमानेंट रहेगा, भाई मैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है अब ये चेंज नहीं करेंगे तो ये अब परमानेंट ही रहेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है, थाईलैंड एम्बेसी को और थाईलैंड गवर्नमेंट को हमें थैंक्स करना चाहिए कि इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ लॉन्च करी है ये। तो जो दूसरी बड़ी अच्छी न्यूज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स थाईलैंड में पढ़ रहे हैं अभी, मेरे को काफ़ी कमेंट आते हैं, काफ़ी मैंने वीडियो शूट करी है, जो क्या बोलते यूनिवर्सिटीज़ दिखाई है, बैचलर्स डिग्री दिखाई है। तो अब जो स्टूडेंट जो बैचलर डिग्री कर रहे हैं और जो MBA वहाँ पे कर रहे हैं, अब उनको डिग्री के बाद 1 साल का वीज़ा मिलेगा, जो पहले कभी नहीं मिलता था। क्योंकि बहुत लोगों की कंप्लेंट आती थी कि भाई जैसे ही वीज़ा ख़त्म हो गया आप कह रहे हो कि आप वापस चले जाओ अपनी कंट्री, आप जॉब कैसे ढूंढोगे आप, और अगर आपको कुछ भी करना है तो एटलीस्ट आपके 4-5 महीने होने चाहिए, जैसे हर कंट्री में होते हैं नॉर्मली, पर ऐसा थाईलैंड में पहले नहीं था। तो अब आपको क्या करोगे, अब आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, आपने बैचलर्स डिग्री करी है आपने, या पोस्ट ग्रेजुएशन करी है या PhD करी है, आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा थाईलैंड में जॉब ढूंढने के लिए या कुछ भी करने के लिए, जो आपको वहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स के लिए। ये भी एक बहुत ही क्रेजी न्यूज़ है और ये भी 1 जून से स्टार्ट हो गई है। अब हम आ जाते हैं भाई तीसरा वीज़ा, ये तीसरा वीज़ा तो भाई इन्होंने जो न्यूज़ डाली है ये तो इन्होंने पूरा ही दुनिया को हिला के रख दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग थाईलैंड आना चाहते थे, उनको बहुत वीज़ा, आई थिंक वीज़ा को सबको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब इन्होंने एक डिजिटल नोमैड वीज़ा लॉन्च करा है, DTV वीज़ा नाम से इन्होंने लॉन्च करा है। इस वीज़ा में आपको 6 महीने आप थाईलैंड में कंटिन्यूस रह सकते हो, मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ये, 5 साल का आपको मिलेगा सिर्फ 10,000 baht में, तो राउंड अबाउट 24 से 25,000 रुपये की फ़ीस है, जो बहुत रीज़नेबल है। और आपके अगर वाइफ है, चिल्ड्रन है, तो उनको भी ये मिल जाएगा इंक्लूडिंग दिस फीस। इस वीज़ा में आप क्या कर सकते हो, सपोज़ आप डिजिटल नोमैड हो या आप ऑनलाइन काम करते हो, तो आप थाईलैंड में जाके 6 महीने रह सकते हो पर ईयर 5 साल के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। और अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा रहना है तो आपको वहीं पे एक्सटेंड करना पड़ेगा 6 और महीने 10,000 baht में, पर मेरे को लगता है कि 10,000 baht बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट है अगर आपको 5 साल की एंट्री मिली। ये इन्होंने लॉन्च तो कर दिया June 1st से, पर अभी इनका पता नहीं है कि ये कब इम्प्लीमेंट करेंगे, कब आप दिल्ली में एम्बेसी से ले सकते हो, तो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। पर स्टूडेंट्स के लिए तो जो ये वीज़ा चेंजेस कर रहे हैं इन्होंने बहुत ही जबर, और इसमें एक पॉइंट है DTT में कि आपको 5 लाख baht अपने अकाउंट में बैलेंस दिखाना है। आई थिंक 6 महीने का बैलेंस होगा तो राउंड अबाउट 12-13 लाख रुपये आपको बैलेंस दिखाना है। अगर आप ये दिखा देते हो तो आपको 5 साल का मल्टीपल एंट्री 6 मंथ्स स्टे वीज़ा मिल जाएगा थाईलैंड के अंदर। तो बहुत ही भाई ज़बरदस्त न्यूज़ है ये। और आपकी अगर कोई भी भाई डाउट्स हैं इसमें, मैं आपको फ़ोटो यहाँ पे दिखा दूँगा, प्लीज़ कमेंट करिए। और भाई मेरे क्या बोलते फिलिपिनो वीडियोस भी देखिए, मैं फिलीपींस में ट्रैवल कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छे व्लॉग्स यहाँ पे आएंगे। और थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।